बहुत फायदेमंद होता है ये शुगर के लिए, खून बढ़ाने के लिए, खून की शुद्धि करने के लिए। चाय देखिए पीने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही आनंद आ जाता है, एकदम चुस्ती फुर्ती लगता है और ये ताकत भी बढ़ाता है। माँ को दे दी है चाय, अब माँ पी रही है, चलिए पीते हैं। देखिए भगवती भी पी रही है। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्याम जी ब्लॉग समय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं जंगल नाला तरफ। जंगली जड़ी बूटी वनस्पति पेड़ का छाल लेकर आएंगे और चाय पत्ती बनाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं जंगल नाला तरफ। तो हम लोग घर से निकल गए हैं, हम लोग जा रहे हैं जंगल नाला तरफ और जंगली वनस्पति पेड़ खोजेंगे और उसकी छाल का चाय पत्ती बनाएंगे। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और देखिए इधर का नज़ारा, ये देखिए इधर खेत खलिहान है और ये नाला के किनारे है वनस्पति। तो जड़ी बूटी हम लोग जो खोजने जा रहे हैं वो एक प्रकार का औषधीय होता है, बहुत ही गुणकारी होता है। तो अभी तो हम लोग खोजेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। महिलाओं के लिए और भी फायदेमंद, और महिलाओं के लिए तो और बहुत ही फायदेमंद होता है, महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी, मतलब सभी के लिए वो बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए आगे इधर खोजेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ नाला में पहुँच गए हैं, इधर देखिए। तो चलिए इधर हम लोग देखेंगे, अभी खोजेंगे इधर नाला के किनारे में वो नमी स्थान में होता है, हम लोग खोज रहे हैं। इधर देखते हैं फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे, नाला किनारे है, पेड़ पौधे लगा है और बहुत ही अच्छा हरा भरा है। ये देखिए ये जामुन का पेड़ है और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा ठंडा शीतल लग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए इधर चलते हैं, आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होता है और पुरुषों के लिए भी फायदेमंद होता है। हम लोग खोज रहे हैं उस जंगली जड़ी बूटी वनस्पति पेड़ को, आइए। इधर तो नहीं दिख रहा है, चलिए इधर और आगे चलते हैं। देखिए पेड़ पौधे लगा है नाला के किनारे, जामुन का पेड़ है, उसकी छाल को लेकर जाएंगे और हम लोग बनाएंगे चाय पत्ती। हाँ मिल गया दोस्तों हम लोगों को, ये देखिए यही है वो वनस्पति जिसकी छाल को हम लोग लेकर जाएंगे और चाय पत्ती बनाएंगे। और इसके जो पत्ते होते हैं ना वो इस प्रकार के होते हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इसे हम लोग केवटी बोलते हैं, केवटी जड़ी बूटी, केवटी का पेड़, ये देखिए इसके पत्ते इस प्रकार के होते हैं और ये लताएँ होती है। और इसका जो पेड़ होता है आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए यही है वो जड़ी बूटी वनस्पति जिसको हम लोग खोज रहे थे और खोजते खोजते हम लोगों को मिल गया है। इसे हम लोग केवटी पेड़ बोलते हैं, इसके जड़ का, इसके छाल का, इसके पत्ते का, इसके सभी मतलब पूरे पंचांग का औषधीय प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर इसके छाल का और इसके जड़ का जो है औषधीय प्रयोग करते हैं और इसका जो है हम लोग चाय पत्ती बनाएंगे। इसके डाल को काट कर लेकर जाएंगे और इसके छाल को निकालेंगे और इसी के चाय पत्ती बनाएंगे और हम लोग चाय बनाएंगे और पियेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग बने रहिएगा। इसको मैं और आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों केवटी के जो पत्ते होते हैं ना, केवटी पेड़ का उसके पत्ते इस प्रकार के होते हैं और इसमें जो है फूल भी होता है, ये देखिए ऐसे ही इसमें फूल भी होता है, ये देखिए देखिए इस प्रकार के फूल होते हैं। और ये महिलाओं पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ये खून को शुद्धि करता है, ताकत देता है, शुगर को नियंत्रण करता है, ये महिलाओं में होने वाली जो अनियमित महामारी के समय दर्द होता है उसको भी यह दूर करता है इसकी सेवन करने से। तो चलिए इसको पहले हम लोग इसके डाल को काट लेते हैं, जो
बिचर के पापा दाल को काट रहे हैं, अब हम लोग उसे लेकर जाएंगे और इसकी चाय पत्ती बनाएंगे। काट दीजिए, आधा को काट दीजिए। ये देखिए दोस्तों, यही है कि छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े काट लेते हैं, जाने में दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर लेकर जाएंगे। इतना हो गया, पकड़ते तो बन जाएगा, है ना, पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर, है ना, पकड़ लेते हैं रस्सी को। इतना केवटी दाल मिला है और इधर आगे और देखेंगे, और खोजते हुए हम लोग जाएंगे घर। लोगों को इतना केवटी का दाल मिला है तो अभी अब हम लोग जा रहे हैं घर, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग केवटी दाल को लेकर आ गए घर। ये देखिए, अब इसके छाल को निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पर निकालेंगे, है ना। बोरी ले आइए, यहाँ पर इसको रख देते हैं, धो लिए हैं। अब इसके छाल को निकालेंगे, ये जो दिख रहा है ना, ये छाल, इसी छाल को हम लोग निकाल कर इसको छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े इसको करेंगे, और फिर इसके छाल को हम लोग निकाल रहे हैं। सिर्फ इसके छाल को ही लेते हैं, इसका जो बीच वाला होता है ना, उसको नहीं लेते हैं। लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े इसको काट कर उसको खाएंगे। छाल ही इसका बहुत ही गुणकारी होता है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए, ताकत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खून की शुद्धि करता है, खून को बढ़ाता है। चलिए इसको छोटे छोटे काट लेते हैं, छोटे छोटे इसको काट कर इसको सुखा कर पाउडर बना कर रख देंगे। बहुत ही जल्दी ब्लड बढ़ता है इसको पीने से। चलिए इसको सुखा देते हैं और इतना को हम लोग अभी चाय बनाएंगे। छत में आ गए और देखिए इधर का नज़ारा, काफ़ी धूप है। यहाँ पर सुखा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर केवटी छाल को सुखा रहे हैं। केवटी छाल को सुखा दिए हैं, अब हम लोग चलते हैं, अब बनाएंगे चाय। तो हम लोग आ गए रसोई घर में, अब देखिए हम लोग बनाएंगे चाय। तो इस गंज में बनाएंगे, लेकिन मिट्टी के हंडी में बनाने से बहुत ही अच्छा गुड़गुड़ी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हम लोग अभी इस गंज में बना रहे हैं चाय। ये देखिए, तो एक गिलास पानी डाल दिए और डालेंगे आधा गिलास, और हम डेढ़ गिलास का हम लोग चाय बना रहे हैं। और चाय पत्ती नहीं डालेंगे, सिर्फ जो केवटी छाल लाए हैं ना, उसी छाल को इसमें डालेंगे और बनाएंगे चाय। छाल को इसमें डाल देते हैं, और थोड़ा सा हम लोग चीनी डालेंगे। वैसे चीनी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही काढ़ा बना कर पीते हैं। तो हम लोग अभी चाय बना रहे हैं, इसलिए इसमें चीनी डाल रहे हैं। चाय पत्ती की जगह हम केवटी छाल को डाल दिए। बिना चीनी के पीने से और भी बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन हम लोग इसको चाय बना रहे हैं, तो चाय पत्ती की जगह हमें इस केवटी छाल को डाल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं स्वाद के लिए। और ये कसैला होता है, और इसको मिट्टी की हंडी बनाने से और भी इसका प्रभावशाली, बहुत ही ये गुणकारी होता है। हम लोग मिट्टी की हंडी में ही काढ़ा बनाकर पीते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसमें चीनी डाल दिए। अब इसको हम लोग चूल्हा में इसको चढ़ा देते हैं, है ना, आग को अच्छे से जला देते हैं। ये है हमारा देसी चाय पत्ती। तो ये देखिए दोस्तों, बना रहे हैं केवटी छाल का चाय, देखते हैं कैसे बना है। देखिए लाल दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए ऐसे ही बना है लाल। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यही लाल तो ताकत देता है, शक्ति देता है, और बहुत ही फायदेमंद होता है। बन गया है चाय, अब इसको किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे। तो अब इसको उतार रहे हैं, ये देखिए उतार कर अब इसको इस थाली में रखेंगे। ये देखिए थाली में इसको रखेंगे। चलिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा से ये लाल बना है चाय। ये देखिए बहुत फायदेमंद होता है ये, शुगर के लिए, खून बढ़ाने के लिए, खून की शुद्धि करने के लिए। ये देखिए इतना बनाए हैं चाय, और बहुत ही अच्छा लगता है ये। कि हम लोग इसमें चाय पत्ती नहीं डाले हैं, सिर्फ केवटी के छाल को ही डाले हैं। ये ऐसे ही बना है, ये बन गया चाय। तो इसको अभी हम लोग पियेंगे, तो माँ को भी देंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं, यहाँ पर हम लोग अभी पियेंगे इसको। ये देखिए,
मियाँ भी यहाँ पर बैठी हैं, तो हम लोग पियेंगे और इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं ना, तो इसको ठंडा करके पीते हैं और काढ़ा में शक्कर वगैरह चीनी नहीं मिलाते हैं। तो देखिए माँ दे दिए, चलिए अब हम लोग भी पियेंगे। माँ को दे दी हैं चाय पी रही है, और इसका जो क्योंटी छाल कर हम लोग काढ़ा बनाते हैं, तो इसको ठंडा करके खाली पेट सुबह पीते हैं। और अभी चाय बनाए हैं तो इसको हम लोग गुनगुने, इसको फूक फूक कर पी रहे हैं। चलिए पीते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। देखिए भगवती भी पी रही है और थाली में पी रही है। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों।